हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवेल का पार्ट 27। उस गेमिंग हॉल को बहुत बार तोड़कर नए तरीके से बनाया गया है। वो बहुत दिन पहले ही कमर्शियल बिल्डिंग बन गया है। अगर वहाँ बॉडीज होती तो पहले ही पता चल जाता। बाकी चीज़ों के रिकॉर्ड ढूंढने में टाइम लगेगा, सर्वेलेंस कैमरे में देख कर लैंगचुआ बोलती है। उस साइको लड़की की बातें भरोसे के लायक है? हम उसकी बातों को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, लोवेंजो उस लड़की को देखते हुए बोलता है। कोई एडल्ट जाकर लड़कियों को डराता था और ये लड़की जाकर उसे बचाती थी। फिर दोनों लड़कियों में दोस्ती हो जाती थी और वह आसानी से उसे ट्रिक करके कहीं ले जाती थी। तो उस दिन कोई सच में चेंचन को फॉलो कर रहा था, तावरन बोलता है। वो भी उनका साथी है। मान लेते हैं वो सस्पेक्ट ए है, लोवेंजो बोलता है, और जिसने चूतों को उठाया था वो सस्पेक्ट बी है। हम श्योर नहीं है, पर मान लेते हैं ये दोनों अलग लोग थे, क्योंकि अगर वो उस टाइम से चेंचन को फॉलो कर रहा था तो वो किसी और बच्चे को एक ही टाइम में फॉलो नहीं कर पाएगा ना। और फिर ये जू वेंचाओ, उस रात वो घर पर था तो वो बी नहीं हो सकता। तो फिर उसका क्या काम था? सुलुआजान ने चेंचन को बेहोश करके बांध दिया और घर चली गई। उसे ये डर नहीं था कि चेंचन भाग जाएगी या किसी को उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उसके साथी आकर बाकी का काम संभालने वाले थे। पर वो नहीं आया। स्कूल से फ़ोन पाकर वो लड़की डर गई थी और चेक करने गई थी चेंचन का सफाया हो गया है कि नहीं। जू वेंचाओ शायद वो काम करता था जो पहले सुजियाओलान करती थी। तो जू वेंचाओ वाकई एक पार्ट टाइम जेनिटर है? इसका मतलब क्या वही है जो मैं सोच रही हूँ? लैंगचियाओ लुओवेंजो की तरफ देखकर पूछती है। तो चूतों को पाने की कोई आशा नहीं है? लुओवेंजो उसके सवाल को इग्नोर कर देता है। म्यूजिक बॉक्स के अंदर कपड़े में बहुत ब्लड था, पर मेडिकल टीम को उन दोनों घरों में कोई खून नहीं मिला। वो पुराना घर शायद एक टेम्पररी ट्रांसफर स्टेशन है, मेन क्राइम सीन नहीं। रुकिए, लैंगचियाओ बहुत सारे पेपर्स निकालती है। आप लोग कहीं गलती कर रहे हो। जू वेंचाओ एक महंगे स्कूल में पढ़ता था, फिर उसने फोटोग्राफी के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीद कर अपना काम शुरू किया। उसके पास घर गाड़ी सब है, पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो फिर वो ये काम क्यों करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर सुलुओजान अपना सिग्नेचर नहीं छोड़ती तो किसी को जू वेंचाओ पर शक भी नहीं होता। तभी कोई आकर बताता है कि गुओहेंग मिलना चाहते हैं। रिसेप्शन रूम में टीवी पर पिछली रात के ऑपरेशन की न्यूज़ दिखाई जा रही थी। जेल में रहते टाइम टीवी में न्यूज़ या एजुकेशनल प्रोग्राम देखते टाइम भी कैदी को प्रॉपर सिटिंग पोजीशन मेंटेन करना पड़ता था। गुओहेंग उसी आदत के वजह से सोफे में स्ट्रेट बैठकर टीवी देख रहा था। मैं शायद आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर क्या मैंने गलत आदमी को मार दिया था? गुओहेंग पूछता है। थोड़ा हेजिटेट करके लुओवेंजो दो सिगरेट निकालकर एक गुओहेंग को देता है और पूछता है, आपको वो लड़की याद है? हाँ, पतली सी एक लड़की, फीफे से थोड़ी बड़ी पर बहुत खूबसूरत थी वो। मुझे नहीं पता है वो अब क्या कर रही है। जेल से निकलकर मैंने सोचा था जाकर उससे मिलूं, पर मुझे लगा अब तक उसकी शादी होकर बच्चे हो गए होंगे। पुरानी चीज़ों को याद करके उसका क्या फ़ायदा? पर इतने सालों से मुझे यही तसल्ली है कि मैंने उसे बचा लिया था। उसके लिए कुछ साल जेल में रहना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लुओ वेंजो कुछ बोल नहीं पाया। ऑफिसर लुओ, आपने मुझे बताया नहीं क्या चल रहा है। वो गुआंगचुआन ही खूनी था ना? लुओवेंजो गुओहेंग को उस दिन की घटनाओं को डिटेल में बताने के लिए बोलता है। गुओहेंग ने कहा कि जू वेंचाओ ने उसे पेच किया था, उसने उसे ले लिया स्कूल से। फिर गुओहेंग स्कूल के गेट में जाकर जू वेंचाओ से मिला था, जो उसे वू गुआंगचुआन के घर ले गया। वू गुआंगचुआन का घर पास ही था, पर वह घूम कर गया इसलिए उसे ज़्यादा टाइम लगा। शॉर्टकट से जाकर गुओहेंग उससे पहले पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा वू गुआंगचुआन एक लड़की को खींच रहा है, वो दीवार लांग कर अंदर चला गया। लुओवेंजो की रिक्वेस्ट पर गुओहेंग उस जगह का एक स्केच बना देता है। तारान उस स्केच को देखकर बोलता है, वो जगह अब बदल गई है, वो स्कूल शिफ्ट हो गया है और वू गुआंगचुआन के घर की जगह पर अब एक जिम बन गया है। फिर भी मैं एक बार जाकर देखता हूँ। लुओवेंजो बिना गर्दन घुमा के ही समझ गया था कि फेदू आ रहा है, क्योंकि ब्यूरो के बाकी सारे लोग बिजी हैं। इतने आराम से चलकर आने वाला फेदू ही हो सकता है। फेदू ने अपना चश्मा साफ करके पहन लिया तो उसका पूरा लुक चेंज हो गया। जो इमोशनल यंग मैन सुलुओजान के पास गया था, वो अब फिर से इंसान के वेश में भेड़िया जैसा लगने लगा। आपको फुवन मेमोरियल हॉल पता है? फेदू ने आराम से पूछा। जहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती है? सुजियाओलान की अस्थियाँ भी वही है, साथ में उसकी कुछ चीज़ें। मेरे ख्याल से आपको वो चेक करना चाहिए, कुछ काम की चीज़ें मिल सकती है। उस लड़की ने तुम्हें कुछ कहा?
वो बहुत चलाक है, वो ये सब नहीं बोलेगी। ये मेरा गेस है। इतने सारे अजीब स्टॉकर के साथ काम करने के लिए हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं तो उनको वो कंट्रोल कैसे करती थी। और वो सब चीज़ें ऐसे ही कहीं भी नहीं रखी जा सकती है ना, ऐसी जगह चाहिए जो सिक्योर हो पर किसी को शक भी ना हो। बैंक के लॉकर में तो पुलिस सबसे पहले ढूंढेंगी, पर उस जगह पर कोई ढूंढने नहीं जाएगा। मुझे लगता है उन लोगों ने उस जगह को ही चुना है। फेदू फाइनली लुओवेंजो को कन्विंस करके ले ही गया। फेदू गाड़ी से उतरने जा रहा था पर लुओवेंजो ने डोर अनलॉक नहीं किया था। फेदू को समझ आ गया, फिर भी उसने अपने प्लेबॉय स्टाइल में पूछा, कल रात मैंने क्या किया? लुओवेंजो का मन हो रहा था कि वो फेदू को पीट दे, पर उसकी चुप्पी देखकर फेदू उसे टीज करने का सोचता है। कल तो मैंने बस कुछ खाना भेजा था, क्या आप मुझे एक और सिल्क बनट देना चाहते हो? फिर लुओवेंजो के करीब होकर वो बोलने लगता है, इस बार क्या लिखेंगे? फेदू, अगर तुमने मुझे फिर से ऐसे प्रोवोक किया तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारे कोई गलत इरादे हैं। फेदू ने नहीं सोचा था लुओवेंजो ऐसा कहेगा। उसने कहा, आप इस जगह पर ऐसी बातें करना चाहते हैं? मेरे पास एक डिसेंट सब्जेक्ट भी है, क्या तुम अपनी जायदाद दूसरों के हाथ में देकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहते हो? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी टीम बहुत रिलायबल है, और ऐसे भी मेरे सिग्नेचर के बिना कंपनी में कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकता है। मैं अगर ना भी काम करूं, मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे जैसे पब्लिक सर्वेंट्स की पूरी ज़िंदगी की कमाई से ज़्यादा है ना? बकवास बंद करो। जब तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था तुम तब स्कूल में थे, पढ़ाई में भी तुम उतने अच्छे नहीं थे, उस टाइम तुमने इन लोगों पर भरोसा क्यों नहीं किया? तुमने पैसे के लिए कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, तुम अपने पापा पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब यान यूनिवर्सिटी में जाने में भी कुछ ऐसा ही होगा, किसके लिए ऐसा कर रहे हो? शायद मेरा टारगेट आप हो, शायद मेरा टेस्ट चेंज हो गया है और मुझे आपके जैसे डेडली सीरियस डार्क हॉर्स चार्म अच्छा लगने लगा। और आपको कैसे पता मैं पढ़ाई में कैसा था? आप मेरे रिपोर्ट कार्ड का खबर भी रखते थे। लुओवेंजो ने डोर को अनलॉक कर दिया और फिर फेदू का कॉलर पकड़ लिया। पहली बात, मेरे गुड लुक्स को सब लोग पसंद करते हैं, ये एक क्लासिक टाइमलेस मेल ब्यूटी है। अगर तुम्हें लगता है ये डार्क हॉर्स है तो तुम्हारी नॉलेज अधूरी है। दूसरी बात, तुम इस हाल में मुझे हिट करोगे? प्रेसिडेंट फेय, पहले दूध पीकर थोड़ा कैल्शियम बढ़ा लो, अब निकलो। प्रेसिडेंट फेय किसी भी तरीके के फ्लर्टिंग में माहिर है, उसको पहली बार किसी ने इतने रूडली जवाब दिया है। वो भी जवाब देना चाहता था पर वो कुछ ना बोलकर लुओवेंजो के पीछे पीछे मेमोरियल हॉल की तरफ चल पड़ा। मेमोरियल हॉल का दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा आने लगी। कुछ स्टाफ मेंबर लुओवेंजो की आईडी को चेक कर पूछते हैं, आपको क्या देखना है? हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है। लुओवेंजो ने ग्लव्स पहनकर पहले सू जियावलान की फ़ोटो को चेक करी, फिर वो बुरियल गुड्स को चेक करने लगा। फेदू ने कहा, ये फ़ोटो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारे बुरे में 20 साल पहले की जो फ़ोटो है ये वही है। बुरियल गुड्स में एक पुराना ड्रेस, सिगरेट्स, लिपस्टिक्स थे और वो सब चीज़ें भी थे जो औरतें कैरी करती है। उसी टाइम तावरन का कॉल आता है। तावरन ने कहा, वो एस्टेट अभी भी है, उसका नाम है सनवर्ड एस्टेट। यहाँ के बुढ़े अंकल कह रहे हैं कि जब जिंजू यहाँ पर था उस टाइम बहुत अमीर घर के बच्चे यहाँ रेंट पर रहते थे। और उस सराउंडिंग वॉल का क्या हुआ जिसके पीछे से अंकल गु ने वू गुआंग चुआन को देखा था? वो सब कब का टूट गया है, रास्ता भी चौड़ा हुआ है, तावरन ने कहा। फिर उसने और उसके साथी ने मिलकर और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एक जगह मिली जहाँ से वू गुआंग चुआन का घर जिस जगह पर था उस जगह को देखा जा रहा था। ओरिजिनल बिल्डिंग के साइकिल स्टैंड यहीं पर था, उसके साइड से आते टाइम मुझे साइड होकर चलना पड़ा, पर जू वंशो को ये रास्ता कैसे पता था? तभी लैंगचाओ जू वेंचाओ के घर का एड्रेस बताती है, सनवर्ड एस्टेट, बिल्डिंग 8, यूनिट 3, अपार्टमेंट 201। तावरन दौड़कर बिल्डिंग 8 के सेकंड फ्लोर पर गया। कॉरिडोर में एक खिड़की थी जो 201 के मास्टर बेडरूम जिस साइड खुलती है उसी साइड खुलती है। तावरन अच्छे से देखता है तो उसे उसके कॉलेज दिख जाते हैं जो वू गुआंगचन का घर जहाँ पर था उस जगह पर खड़े थे। तावरन बिल्डिंग के कमेटी ऑफिस पर जाकर अपार्टमेंट नंबर 201 के ओनर के बारे में पूछता है। 201, ये तो अभी भी ओरिजिनल मालिक के नाम से ही है, सन सरनेम के एक एल्डरली कपल इसके मालिक है। बातों से पता चला कि सन फैमिली की लड़की विदेश जाकर सेटल हो गई है और वो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले गई है। वो घर रेंट में दिया जाता है। क्या उस घर में इलीगल रेंटल होता है? तावरन ने पूछा। स्टाफ मेंबर्स ने कहा, नहीं नहीं, कोई इलीगल रेंटल नहीं, टेनेंट्स बार बार चेंज होते रहते हैं। उधर लुओवेंजो को कुछ नहीं मिला, उसने कहा, प्रेसिडेंट फेय,
तुम भी कभी कभी गलत हो सकते हो। सुजियालन के अस्थियों के बॉक्स के ऊपर का सिल्क क्लॉथ खोलते हुए फेदू बोलता है, इस आखिरी जगह को चेक करने के बाद डिसाइड कीजिए मेरी बात सही थी कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत जाके लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोवेन जो अस्थियों में हाथ नहीं देना चाहता था, पर फेदू के कहने पर जब उसने उसके अंदर हाथ डाला तो उसे एक सील्ड प्लास्टिक बैग मिला जिसके अंदर एक छोटी सी पुरानी नोटबुक थी। नोटबुक में जो लिखा था वो देखकर लोवेन्जो शॉक्ड हो गया। 24 साल पहले एक गर्मी के दिन डेंग इंग नाम की एक लड़की स्कूल से घर जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसे याद आया उसकी फ्रेंड सुजियालन वही पास रहती है, वो बीमार भी है। उसके घर जाकर वो बारिश से भी बच जाएगी और दोस्त से भी मुलाकात हो जाएगी। उस टाइम उस घर में एक शराबी था। सुजियालन की माँ ने डेंग इंग को जबरदस्ती उस आदमी के साथ एक रूम में भेज दिया और बाद में उसे मार दिया। उसकी लाश उनके बाथरूम में ही पड़ी रही। फिर सू हुई उसे आइस बॉक्स में भरकर ले गई। पुलिस ने स्कूल में पूछताछ की पर सुजियालन से कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो उस दिन स्कूल नहीं गई थी। उस टाइम सुजियालन बस 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। सू हुई पहले से ही सुजियालन से प्रोस्टिट्यूशन कराया करती थी। इस घटना के बाद सू हुई ने सुजियालन को भेड़ पकड़ने के काम में लगा दिया। फिर वहीं पर दीवार पर ठेस लगाकर अच्छे से बैठ गया और लुओवेन्जो को देखता रहा। सू लुओजान के साथ क्या होगा, उसने पूछा। मैंने उसे कहा कि उसे जेल नहीं होगी। हाँ, उसे शायद 3 साल के लिए होम में भेजा जाएगा, उसके बाद उस पर नज़र रखी जाएगी। 3 साल में तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं होती है। मुझे लगा था जब उसने कहा इसमें मज़ा आया तब कोई जाकर उसका गला दबा देगा। इम्पल्सिव लोगों को मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया था। और आप, फेदू पूछता है, आपने पूरी रात काम की। सुबह से विक्टिम्स के घर वालों ने आपको घेर रखा है, कोई ना कोई रोए जा रहा है, पर इन सब के बीच भी आप बिना किसी कंप्लेन काम करते रहे। इतनी मेहनत से आपने क्रिमिनल्स को पकड़ा और मेन कल्प्रिट को कोई पछतावा ही नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आया? ट्रेनी, जब मैंने पुलिस का काम करना शुरू किया था तब तुम कार्टून देखा करते थे। मैं कार्टून नहीं देखता था, मैं बस कभी कभी गेम्स खेलता था। सुजियालन के डायरी में ये नहीं है कि सू हुई कैसे उन बॉडीज को ठिकाने लगाती थी, तुम्हें क्या लगता है? फेदू उसकी तरफ देखता ही रहा। लोवेन्जो का मन हो रहा था कि वो फेदू की पलकों को सील दे। बहुत देर बाद उसने कहा, मैं होता तो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता, फिर कुछ पॉर्क चॉप्स खरीदता, फिर उन सबको मिक्स करके इधर उधर फेंक देता। अगर गलती से किसी को पता भी चल जाता वो ह्यूमन मीट है तो भी किसी को पता नहीं चलता वो किसका है, क्योंकि उस टाइम DNA टेस्ट नहीं होता था। मुझे नहीं लगता कि वो शराबी औरत और वो बच्चे उन बॉडीज को चॉप कर पाते। तो फिर मैं उन्हें गाड़ देता। सबसे अच्छा होता अगर वो जगह हमेशा के लिए मेरी ही होती। विदेश में होता तो मैं अपने बैकवर्ड में ही गाड़ देता, पर यहाँ के स्पेशल लैंड पॉलिसी के चलते ये तो नहीं हो पाता। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उन्हें किसी ऐसी जगह गाड़ता जिस जगह को खोदा नहीं जाएगा, और खोदा जाएगा भी तो भी लोगों को लगेगा कि वो कोई वाइल्ड ग्रेवयार्ड है या फिर कोई ऐसी जगह जो बार बार पानी में डूब जाता हो। अभी भी रूरल एरियाज में क्रिमेशन शुरू नहीं हुए हैं, बहुत जगहों में अभी भी डेड बॉडीज को कब्र दिया जाता है। मैं कोई नया ग्रेव ढूंढ लेता या फिर जिस जगह पर रिनोवेशन हुआ है ऐसी जगह ढूंढ लेता ताकि किसी को शक ना हो। पर यह काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इससे अच्छा तो पैरों में पत्थर बांध कर डुबो देना होगा। धीरे धीरे जब वो रस्सियाँ सड़ जाएंगे तब स्केलेटन वाटर वुड्स में मिक्स हो जाएंगे, लोगों को वो दिखेगा तो वो वाटर गाउल के स्टोरीज बना लेंगे। और भी कई तरीके हो सकते हैं, सबसे बढ़िया तो ये होगा अगर वो बॉडीज मिले ही ना, और अगर मिले भी तो कोई पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत ना समझे। बहुत बढ़िया, लोवेन्जो ने कहा, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि तुम ब्लड देखकर बीमार हो जाते हो। वैसे ब्लड देखकर तुम बीमार क्यों हो जाते हो? इस सवाल से फेदू का मुंह थोड़ा टाइट हो गया। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कह दिया, मुझे पता होता तो मैं बीमार नहीं होता। फेदू का मुंह बंद करा के लोवेन्जो फिर से डायरी पढ़ने लगा। वाटर वीड वाले जगह पर लाशों को फेंकने की पॉसिबिलिटी है। सुहुई का होम टाउन पिंघाई काउंटी है, पिंघाई में बहुत नदियाँ है। लोवेन्जो बस पन्नों को ऊपर ऊपर देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर पेजेस में ऐसे ही डेली डिटेल्स लिखी हुई है, पर अचानक एक जगह पर वो रुक गया। ये स्कूल के बारे में था। ऐसे तो सुजियालन ने टीचर से लेकर बच्चियों सबको स्लट कहकर ही मेंशन किया है, पर इस पेज में एक फ़ोटो भी है। 6 लड़कियाँ छोटी फ्लोरल पैटर्न ड्रेस पहनकर स्टेज में खड़ी है, बाकी 5 लड़कियों का चेहरा पेन से क्रॉस किया हुआ है। बीच में सुजियालन थुड्डी ऊपर करके कैमरा में देख रही है। फ्लोरल पैटर्न ड्रेसेस के बारे में तो उसने कुछ लिखा ही नहीं। लोवेन्जो जल्दी से कुछ पन्ने पीछे जाता है।
डांस टीचर ने कहा था परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस बच्चों को खुद खरीदनी है, नहीं तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सुजियावलान की माँ ने यह सुनकर वाइन बॉटल से उसे मारा। उसने अपनी माँ की और टीचर के मरने की दुआ की। ड्रेस रिहर्सल के एक दिन पहले उसकी मुलाकात एक पुराने क्लाइंट से हुई तो उसके साथ चली गई। बदले में उस आदमी ने उसे ड्रेस खरीद दी। तो एक फ्लोरल पैटर्न ड्रेस के लिए पहली बार उसने अपनी मर्जी से अपने आप को बेचा, लुओवेंजो पन्ने पलटते हुए बोलता है। उसी साल फ्लोरल पैटर्न ड्रेस वाले केसेस शुरू हुए थे। इस टाइम से ही उसने खुद अपनी मर्जी से यह काम करना शुरू करा। उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? किसके पास जाती वो? आदमी लोग डिस्गस्टिंग क्लाइंट्स थे, औरतें स्लट्स थे, और बच्चे? डेंग यांग की मौत के बाद वो किससे दोस्ती करती? वो खुद अपनी उम्र के बच्चों से दूर रहने लगी और फिर उन लड़कियों से नफरत करने लगी जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता था। नोटबुक के आखिरी पेजेस में सुजियावलान का गुस्सा कम हो गया। उसके ज़िंदगी में वु गुआंगचन आ गया। वो भी एक क्लाइंट ही था, पर वो बाकियों की तरह डिस्गस्टिंग नहीं था। वो एक एलिगेंट और रिफाइंड टीचर था, पर उसका लस्ट बहुत ज़्यादा था। उसे यंग लड़कियाँ अच्छी लगती थी। वो सुजियावलान को एक प्रेमी की तरह केयर किया करता था। हफ्ते में दो दिन सुजियावलान उसे सर्व करती थी, इसलिए उसकी माँ उसे और किसी के पास नहीं भेजती थी। पर सुजियावलान को उस आदमी से प्यार हो गया। वो बिना पैसे लिए भी उसके घर जाने लगी। उस आदमी ने उससे कहा कि वो उसे अडॉप्ट कर लेगा, उसे और उसकी माँ के साथ रहना नहीं पड़ेगा। जब वु गुआंगचो को उनके घर आते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तब सुहुई ने उसे एक भेड़ देने का सोचा। उसने वो ले भी लिया। सुजियावलान को बहुत गुस्सा आ गया। वो उस आदमी को फॉलो करते हुए लोटस माउंटेन चली गई। वु गुआंगचोंग फ्लोरल पैटर्न ड्रेस पहनी हुई एक लड़की को देख रहा था। सुजियावलान उस लड़की को फंसाकर होटल ले गई। वु गुआंगचोन ने उसे झूठी उम्मीद दिलाई थी और बाद में उसे गहरी खाई में डाल दिया था, जहाँ से वो लड़की कभी नहीं निकल पाई और अपने साथ अपनी बेटी को भी ले गई। डायरी का लास्ट पेज कवर के साथ चिपकाया हुआ था। लुओवेंजो ने उसे फाड़ा तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स गिर गए। कुछ फोटोज पुराने थे और कुछ नए। वो सब सीक्रेटली खींचे गए थे। सबका चेहरा साफ था। हर फोटो में एक अलग आदमी था एक अलग लड़की के साथ। वो एक बहुत छोटा सा रूम था जिसके दीवार साउंड प्रूफ थे और खिड़की में मोटे पर्दे लगे हुए थे। फेदू ने वही फ़ोटो उठाई जो ब्लरी थी। वो एक पुरानी फ़ोटो थी। लाइट कम थी पर फोटोग्राफर के स्किल्स बहुत हाई लेवल के थे। दूर अंधेरे में एक छोटा घर था। कैमरा का फोकस उसके खिड़की में था। कांच की खिड़की में एक स्लिम लड़की को एक आदमी ने प्रेस कर रखा था। क्या सानवाड एस्टेट के रूम से जुवनचाओ ने यह फ़ोटो खींची थी? उधर जैसे ही तावरान ने उस रूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ से एक अजीब स्मेल निकल आई। खिड़की के मोटे पर्दे को हटाकर तावरान ने देखा, उसमें एक बहुत बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई है। वो फोटोग्राफ खिड़की के कांच के दो लेयर के बीच लगी हुई थी। रात को उस खिड़की से देखने से बाहर का नज़ारा जैसा दिखेगा वो ठीक वैसा ही था। एक्चुअली इस जगह पर ऑथर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे ये पता चल रहा है कि जो फोटोग्राफ सुजियावलान के डायरी में मिली ये उसी फोटोग्राफ की एनलार्जमेंट थी। पूरे घर के दीवारों पर फ्लोरोसेंट पेंट लगा हुआ था और दीवारों पर जो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे उन पर भी फ्लोरोसेंट पेंट था। काउच को हटाने से फ्लोर पर खून के धब्बे दिखाई दिए। सारे दीवार साउंड प्रूफ किए हुए थे। बेडरूम के दीवार पर एक भेड़ चराती हुई लड़की की फ़ोटो थी जिसमें उस लड़की के आँखों के जगह पर एक कैमरा लगा हुआ था। स्टोरेज रूम में कटिंग टूल्स और बांधने का सामान था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मान लिया कि वो अपार्टमेंट इलीगली रेंटेड था, पर उनका कहना था कि वहाँ पर कोई रहता नहीं था। शायद कुछ ऑफिस वर्कर्स शाम को थोड़ा सोने के लिए आया करते थे। उस अपार्टमेंट के पार्किंग स्पॉट पर एक एसयूवी भी पार्क की हुई थी। ट्रैफिक पुलिस से पता चला कि वो कार एक बुढ़े की है जो 2 साल पहले यान सिटी छोड़कर चला गया, पर उसकी कार का रजिस्टर्ड एड्रेस अभी भी यान सिटी का ही है। पूछताछ करके पता चला कि गाड़ी का नंबर उसका है पर वो गाड़ी उसकी नहीं है। उसने अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट को सुजियावलान को रेंट में दे रखा था। उसे उसके पैसे मिलते हैं और वो हर साल एनुअल चेकअप के टाइम आ जाता है। उस कार में GPS या ड्राइविंग रिकॉर्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, पर ट्रैफिक कैमरा में देखकर पता चला कि जिस दिन चूतोंग के घर वो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी उसके एक दिन पहले वो कार साउथ एयरपोर्ट हाईवे से जाकर यानपोर्ट हाईवे में गई, फिर 2 घंटे बाद एक नेशनल रोड में गई और उसके बाद सिक्योरिटी कैमरा से बाहर चली गई थी। अगले दिन वो कार ठीक उसी रास्ते से वापस भी आ गई थी। जहाँ वो कार सिक्योरिटी कैमरा के रेंज से बाहर गई थी उस जगह के पास एक सी साइड सैनिटोरियम, एक एग्रो टूरिज्म का जगह, एक ऑयल पेंटिंग विलेज और कुछ नेचुरल विलेजेस है। तावरान को दीवार पर टंगी फोटोग्राफ्स में से एक सी साइड रीफ दिखाई दी। उसने उस फोटोग्राफ का लोकेशन पता करने का ऑर्डर दिया और उस जगह के लिए निकल गया।
बुरा आकर लुओवेंजो ने एक पानी के बॉटल में 2 इंस्टेंट कॉफ़ी पाउच से कॉफ़ी डाल दिया और उसको हिलाकर पीने लगा। फेदी को लगा कि जैसे वो किसी को तिल का तेल पीते हुए देख रहा है। 20 साल से भी ज़्यादा टाइम में इतनी सारी लड़कियां गायब हुई, पर उनका मेंबरशिप जितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, सिर्फ 5 लोगों की फ़ोटो रहना थोड़ा अजीब नहीं है? और ये सब ज़्यादा पुराना भी नहीं है। फेदू ने एक फ़ोटो को अच्छे से देखते हुए कहा, इस आदमी को मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है। बिजनेस के लिए जिनसे मिलता हूँ उनके चेहरे को मैं अच्छे से याद रखता हूँ ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। इस बुढ़े आदमी के साथ मैं मज़े करने भी नहीं गया था। मैं लोगों का चेहरा एक बार देखता हूँ तो भूल जाता हूँ। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, इसका मतलब इसे मैंने पिछले 1 महीने के अंदर ही देखा है। फेदू अपने दिमाग पर जोर डालकर पिछले 1 महीने में वो कहाँ कहाँ गया था याद करने लगता है। पियानिस्ट, उसने कहा, वेस्ट रिज रेसिंग क्लब का पियानिस्ट। उसका फ़ोटो दीवार पर लगा हुआ था। जिस दिन चूतोंग गायब हुई थी उस दिन वो एब्सेंट था, इसलिए उन लोगों ने एक म्यूज़िक ग्रुप को बुला लिया था। वो उस जगह का डेली विजिटर है, इसलिए उसे रास्ता भी पता था और वो कैमरा में भी नहीं आया। लैंगचा वो फ़ोटो लेकर उस आदमी को अरेस्ट करने चली गई। फेदू भी अब चले जाना चाहता था, पर लुओवेंजो ने कहा, तुम चले मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे ऑफिस में जाकर वेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को आज का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।